बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक हाउ टू अपडेट ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन डेटाबेस ऑफ MySQL यूजिंग PHP। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वी हैव MySQL एज अ बैकएंड एंड नेम डेटाबेस नेम इज़ द स्टूडेंट एंड रिजल्ट इज़ द नेम ऑफ टेबल and following are the fields of table std, st name and st marks। so ये हमारे पास fields हैं, ठीक है जी। result table की है और result का ताल्लुक किससे, student database से, और student database हमने MySQL में बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि जी एक रिकॉर्ड, खास रिकॉर्ड को अपडेट करें किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। तो इसके लिए हमारे पास तीन फाइल होनी चाहिए। हमने तीन फाइल यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई, एक फाइल HTML का है जिसमें हमने फॉर्म बनाया हुआ है और दो फाइल हमारे PHP के हैं, दो में भी एक फॉर्म है और तीसरा क्या है, अपडेशन के लिए यूज़ हो रहा है। सो फर्स्ट जो हमारे HTML का फॉर्म है जिसमें हम सर्चिंग की मदद से क्या करते हैं, किसी रिकॉर्ड को, किसी रिकॉर्ड के लिए कोई वैल्यू आगे फॉरवर्ड करते हैं। सपोज़ HTML है और ये आगे डेटा पास करेगा किसको, ये आगे डेटा, एक मिनट यार, ये डेटा पास करेगा अपडेट रिकॉर्ड डॉट PHP को पास करेगा। टेबल मैंने बनाया, टेबल में बॉर्डर शो किया है, बॉर्डर की वैल्यू 4 है, अलाइन सेंटर कर दिया है, STA टेबल रो शुरू कर दी, TID शुरू कर दिया और स्टूडेंट ID इंटर स्टूडेंट ID का मैसेज आएगा। इन्हें हमारे पास इस तरह एक फॉर्म होगा, फॉर्म में शॉर्ट लिखूँगा, अच्छा इंटर स्टूडेंट ID का मैसेज होगा और फिर इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया, उसमें टेक्स्ट है, नेम उसकी TID है और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स शुरू हो जाएगा इस तरह। फिर टेबल रो क्लोज हो गया, फिर इसके बाद अगेन टेबल रो, फिर एक बटन हमने बना लिया सबमिट का और उसकी कैप्शन या वैल्यू हमने सबमिट रख दी। दूसरा बटन हमने बना लिया कौन सा, रिसेट का, और उसकी वैल्यू हमने कैंसिल रख दी। तो एक बटन होगा, ठीक है जी, दूसरा बटन होगा सपोज ये S फॉर सबमिट, C फॉर कैंसिल। मैं रिकॉर्ड, मैंने जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसकी वैल्यू, उसकी स्टूडेंट ID लिख दूंगा। सपोज मैंने लिख दिया 10103 मैंने दे दिया, जो ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो याद रखिए मेरे पास क्या होगा, एक और फॉर्म आ जाएगा और इसमें इस 103 की पूरी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्सेस में डिस्प्ले हो जाएगी। सो उसके लिए मैंने PHP में एक फाइल बनाई हुई है, जरा इसको देखते हैं। MySQL i_connect कनेक्शन के लिए मैंने यूज़ किया, चार पैरामीटर पास किए, लोकल होस्ट सर्वर का है, रूट यूज़र है, डबल कोट स्टार डबल कोट क्लोज पासवर्ड के लिए जो कि MT है और स्टूडेंट डेटाबेस नेम है मेरे पास, चार पैरामीटर को इसको पास हो गए और ये मैंने इस कनेक्शन वेरिएबल में ये रख दिए डॉलर कौन में। फिर जो मेरे पास TID अगर आपको याद आ रहा है, उस पिछले फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स का था उसमें 103 था, ठीक है जी। सो 103 स्टोर हो जाएगा किस में, $ID वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, किस कीमत से, $_POST_GLOBAL वेरिएबल कीमत से स्टोर हो जाएगा। फिर मैं क्यूरी बनाता हूँ, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर STID इक्वल ID यानी वो रिकॉर्ड हमने डिस्प्ले करना है जिसकी ID क्या है, 103 है। सो ये क्यूरी बन गई और क्यूरी यहाँ पर आ जाएगी, $ SQL में जाएगी। फिर इस क्यूरी को मैंने एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं इसको कह रहा हूँ MySQL i_query और इसको दो पैरामीटर पास हो रहा है इस फंक्शन को, क्यूरी फंक्शन को, एक कनेक्शन वेरिएबल, दूसरी क्यूरी। फिर ये स्टोर हो जाएंगे किस में, $i में, result RES में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, एक इस फॉर्म, एक फॉर्म के पैटर्न में डिस्प्ले करवानी है, फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स में 103 हो, नेम में उसका नाम हो और मार्क्स में इसके मार्क्स हो। तो अगेन मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्म बनाया हुआ है और फॉर्म से जो वैल्यू आगे पास होगी वो है क्या है, कन्फर्म अपडेट डॉट PHP है, इसको फॉरवर्ड हो जाएगी और पोस्ट मेथड की मदद से जाएगी। टेबल यूज़ किया गया है, बॉर्डर है, अलाइन है, सेंटर है। अब RES में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो 103 की है ना, $RES में। सो इसे क्या करो, MySQL i_fetch_array रिकॉर्ड फिच करो और किस में रख दो, $RO में रख दो। फिर वाइल की मदद से हम इसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है जी। सो अब देखते हैं, इको TR TD स्टूडेंट ID का मैसेज आएगा मेरे पास फॉर्म में,
ठीक है, सपोज ये फॉर्म है मेरे पास, मैसेज होगा एसटीआईडी, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, अच्छा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, एसटीआईडी एंड स्टूडेंट आईडी और फिर टेक्स्ट बॉक्स होगा, ठीक है जी। उस टेक्स्ट बॉक्स की इनपुट नेम टीएडी टाइप टेक्स्ट और क्या करो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू की प्रॉपर्टी है डॉलर साइन रो में एसटीआईडी से डिस्प्ले करो। एसटीआईडी में क्या पड़ेगा 103 होगा अगर रिकॉर्ड है तो। फिर टेबल टेबल रो क्लोज हो जाएगा, फिर अगेन टेबल रो टीएडी और एसटी नेम होगा, फिर अगेन दूसरा टेबल मैंने उसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसका नाम मैंने टी नेम रख दिया है और उसकी वैल्यू की प्रॉपर्टी में क्या करो एस टी नेम में जो कुछ है उसे क्या करो डिस्प्ले करो। सो रो में डॉलर साइन रो में एस टी नेम से जो कुछ है, सपोज अम्यूज्यूम कर रहे चा उसमें है असद, ठीक है सपोज मैं ए लिखता हूँ, हाँ मतलब ए मीन असद। और दूसरा हमारे पास टेबल रो क्लोज हो जाएगा, फिर अगेन टेबल रो और मार्स का मैसेज आ जाएगा, मार्स और एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा आगे जो कोडिंग के मुताबिक, ठीक है जी। और डॉलर साइन अंडरस्कोर रो डॉलर साइन रो में क्या एस टी मार्स से वैल्यू डिस्प्ले करो। हम रिज्यूम कर रहे हैं कि जी मार्स के 50 डेज टाइम, अगेन मैं कह रहा हूँ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए आप लोग ड्राइंग को फोकस ना करें, कोड्स को देखें। फिर दो बटन आ जाएंगे, एक क्या होगा सबमिट का बटन है जिस पर मैंने वैल्यू दी है अपडेट, दूसरा बटन रिसेट का है जिसकी वैल्यू मैंने रखी है कैंसिल, ठीक है जी। अब मेरे सामने ये आ जाएंगे, अब मुझे जो 103 का जो रिकॉर्ड है असद ना, ये असल में असद अली था, क्या असद अली था, तो गलती से हमने असद लिखा था तो मैं असद अली कर देता हूँ। और मार्स के 50 की जगह क्या थे ये 70 थे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मार्स हमने गलत लिखे थे, मार्स असल में इसके 90 आ रहे थे, सो हम क्या करते हैं इसको 90 करते हैं, और जब सबमिट पे क्लिक करेंगे ना सबमिट पे तो ये एक तीसरी फाइल को डेटा पे जोड़ देगा जो कि वो भी पीएचपी का होगा और उसमें ये क्या करेगा रिकॉर्ड अपडेट करके मैसेज मिल जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और उनकी कोडिंग ये रही। सो इस फाइल को डेटा इस फाइल को जो डेटा है वो आ जाएगा, यहाँ पर भी कनेक्शन ओपन कर दिया एज यूजर चार पैरामीटर मैंने इसको दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें क्या था टीएडी में 103 था, ठीक है टी नेम में क्या था असद अली था और इसमें क्या था टी मार्स में 90 था, ये कंसर्ट वेरिएबल में आ जाएंगे, आईडी में आ जाएगा, नेम में आ जाएगा और मार्स में, ठीक है। तो आईडी में 103 आ जाएगा, नेम में असद अली आ जाएगा, मार्स में क्या आ जाएंगे 90। नीचे फिर क्यूरी मैंने बनाई हुई है डॉलर साइन एसक्यूएल अपडेट करो किसको रिजल्ट को और सेट करो क्या एस टी आई डी जो उसका फील्ड है टेबल में उसमें क्या सेट कर दो डॉलर साइन आई डी की वैल्यू, डॉलर साइन आई डी की वैल्यू क्या है 103 है कमा, दूसरा फील्ड एस टी नेम है उसमें सेट कर दो क्या असाइन करके इक्वल साइन डॉलर साइन नेम में जो वैल्यू है डॉलर साइन नेम में क्या है असद अली वो असाइन हो जाएगा कामा, तीसरा फील्ड जो है एस टी मार्स इक्वल मार्स में क्या पड़ा हुआ डॉलर साइन मार्स में 90 पड़ा है तो वो चला जाएगा कौन सा वेयर एस टी आई डी इक्वल 103 है, लेकिन उस रिकॉर्ड को अपडेट करने हैं वैल्यूज़ को जिनकी आई डी क्या हो 103 हो। फिर एक क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट करवा दी माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी को दो वेरिएबल पास कर दिया डॉलर साइन कॉन वेरिएबल और डॉलर साइन एसक्यूएल वेरिएबल। फिर इसको हम क्या करते हैं वेरीफाइड करते हैं,
इसको भी डिलीट करते हैं। इफ नॉट डॉलर साइन आर ई हो तो क्या करो, हमें मैसेज मिल जाए रिकॉर्ड कुड नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली, या एल्स अगर सही हो तो हमें मैसेज मिल जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। कनेक्शन क्लोज कर दिया और पीएचपी का टैग मैंने क्लोज कर दिया। इसका ज़रा आउटपुट देखते हैं कि मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। अच्छा देखो हमारे पास ये इसका पहला फॉर्म आ गया है जो हमने 103 का कहा था। सो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये मतलब ये हमारे एचटीएमएल का फॉर्म है, जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, इनकेस हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो 103 का जो डिटेल्स होगा वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाता है। अब देखो ये दूसरा फॉर्म दूसरा पेज है जो कि जिसमें मैंने फॉर्म भी बनाया हुआ है और डाटा को एक्सेस किया हुआ है। सो एक टेक्स्ट बॉक्स में इसकी 103 आईडी है, काशिफ इसका नाम है और 78 इसके मार्क्स है। मैं चाहता हूँ जब अपडेट पे क्लिक करूँ अपडेट पे तो कुछ मैं एक दूसरा इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूँ कि आपको पता लगे। ये आ गया मेरे सामने। अब मैं चाहता हूँ कि जी जो एक मिनट सर वापस दिखा दूँ आपको, काशिफ अमीन था, मैं इसका नाम चाहता हूँ क्या, हाँ काशिफ अमीन हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्म में इसका नाम काशिफ अमीन और मार्क्स इसके क्या करता हूँ कम करके 65 आपके सामने दिखाता हूँ। सो इस फॉर्म में मैंने काशिफ अमीन इसके साथ देखो एक्स्ट्रा कर दिया इसी फॉर्म में और मार्क्स कम करके 75 कर दिए, 78 इसके ज़्यादा थे, गलत थे। अब जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये तीनों डेटा एक थर्ड पेज को चला जाएगा जो कि क्या होगा वो भी पीएचपी का होगा और वहाँ पर अपडेट होने के बाद क्या करेगा मुझे दिखा देगा कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये इस तीसरे पेज का ये आउटपुट ये रहा, देखो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। मैं ज़रा टाइमिंग देखता हूँ, ये वीडियो तकरीबन काफ़ी 10-12 मिनट से ज़्यादा हो गई है और इसकी कोड हमारी टाइम लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जी कोडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो को मैं इसको टाइप करके आपके साथ कर दूँ। तो असल में हमारी इस जो अपडेशन का प्रोसेस है इसकी दो वीडियो बन जाएगी, एक में मैंने आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन दिखा दी कि जी किस तरह के कोड्स थे और किस तरह के स्क्रीनशॉट थे, दूसरी वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिकली कोडिंग करके हम इसको कर देंगे। ठीक है जी, सो तब तक हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू जी।